नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर नाइट। और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ, जो कि अपन डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। और आप क्या है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करें कि आपके 50 में से कौन सा क्वेश्चन राइट हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करते रहें। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, इसका मैं क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, अपन इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है पेंटर स्कॉलर टेबल, क्या है पेंटर स्कॉलर टेबल, तो इसको अपन कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, पहले मैं इसका कलर ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। ओके, पेंटर, ओके, स्कॉलर और टेबल, अब इनको मैंने तीन अलग अलग क्यों किया, क्योंकि एक पेंटर होता है वो स्कॉलर हो सकता है, या फिर एक स्कॉलर एक पेंटर हो सकता है, लेकिन टेबल तो अलग हो जाएगी ना, टेबल अलग हो जाएगी, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। ओके, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अपन टॉप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन है मेन टाइपिस्ट और चपरासी, तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करें फास्ट, कमेंट करें मेन टाइपिस्ट चपरासी, क्या इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। एक मेन है और, ठीक है, यानी कि आदमी, एक आदमी है वो क्या हो सकता है, एक चपरासी भी हो सकता है, वो एक टाइपिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। मेन टाइपिस्ट चपरासी, एक आदमी क्या हो सकता है, चपरासी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, टाइपिस्ट हो सकता है। ये जो वेन डायग्राम बनेगा इसका कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके मित्रों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने ये रहा, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ओके, मुर्गी बिल्ली, इसको हटा देता हूँ, मुर्गी बिल्ली और कुत्ता, ये क्या है, अलग अलग है तीनों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने ये रहा मित्रों। ओके, क्वेश्चन नंबर चार ये रहा आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में करें फास्ट कमेंट करें। कान मुँह और शरीर, लेकिन है तो ये शरीर के भाग है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फास्ट कमेंट करें, कान मुंह और शरीर, तो इसका आपको कौन सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर पाँच ये रहा आपके सामने, फास्ट कमेंट करें आप कमेंट बॉक्स में, वार्ड बेड और नर्स, फास्ट कमेंट करें इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, फास्ट वेन डायग्राम कौन सा बनेगा इसका, वार्ड बेड नर्स, ठीक है। तो एक वार्ड होता है अस्पताल में, उसमें क्या होता है, एक बेड होता है, और क्या नर्स तो अलग हो जाएगी ना, वो इसमें थोड़ी होगी, ठीक है, नर्स तो एक अलग चीज़ है, तो क्या होगा, ये वार्ड हो जाएगा, और वार्ड में क्या हो जाएगा, एक बेड होता है, और बेड और नर्स तो क्या अलग है, तो इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, आपको कौन सा दिखाई दे रहा है इसमें, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टॉप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो आप फास्ट इसका कमेंट करते रहें, बिल्कुल फास्ट कमेंट करते रहें इनका। क्वेश्चन आपके सामने ये, पशु बाघ मांसाहारी, ठीक है, फास्ट कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट करें इसका आंसर हो जाएगा, तो ये पशु है जैसे, ठीक है, पशु है, ये है बाघ, क्या है, पशु, और पशु क्या है, बाघ, और बाघ क्या है, मांसाहारी, तो इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, बिल्कुल सबका सही है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन इसका राइट आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट करें इसका। क्वेश्चन नंबर सेवन, वायुमंडल, ऑक्सीजन, ये वायुमंडल है, उसमें वायु होती है, और वायु में क्या होती है, उस ऑक्सीजन, ये सब वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, बिल्कुल सबका सही है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ए आंसर इसका राइट हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल में वायु में कौन सी वायु,
ऑक्सीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर आठ आपके सामने ये रहा, फास्ट कमेंट करते रहें आप। लड़का छात्र और लड़की, ठीक है, लड़का छात्र और लड़की, क्या है इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर क्या है? ठीक है, यानी कि एक छात्र है, मान लो ये छात्र है, सॉरी ये, हाँ ये एक छात्र है, ठीक है, छात्र है, क्या है, एक लड़का है और एक लड़की है, तो इसका आंसर क्या होगा? फास्ट कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करें इसका, कमेंट फास्ट। ओके, कमेंट करें इसका फास्ट, यानी एक लड़की है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा छात्र, ठीक है, तो छात्र का मतलब होता है लड़का, ठीक है, तो एक लड़का है छात्र हो जाएगा, और लड़की क्या हो जाएगी? ठीक है, लड़की क्या हो जाएगी? लड़की क्या है? तो एक छात्र, लड़की क्या होती है? छात्रा होती है, क्या होती है? छात्रा, ठीक है, तो इस क्या होगा ये, इसका आंसर फास्ट कमेंट करें। ठीक है मित्रों, इसको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे एक मिनट, इसको यहाँ क्या है, स्टूडेंट, यहाँ पे छात्र की जगह आप विद्यार्थी कर लीजिए। ओके, यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, विद्यार्थी कर लीजिए, ठीक है, छात्र की जगह विद्यार्थी कर लीजिए, तो विद्यार्थी है वो एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, यानी कि इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नौ है मेन गार्डन वर्कर, कमेंट करें इसका क्या आंसर है, इसका कमेंट करें इसका आंसर क्या है, मेन गार्डन और वर्कर, ठीक है, मेन क्या है, आदमी, ठीक है, मेन वर्कर, ठीक है, यानी कि एक आदमी है, एक वर्कर भी हो सकता है, लेकिन गार्डन यानी कि बगीचा वो तो एक अलग हो गया ना, अलग हो गया वो, तो ऐसा आपको डायग्राम किस में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ऐसा डी में दिखाई दे रहा है, तो यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्ट आप करते रहे कमेंट। क्वेश्चन नंबर टेन रहा आपके सामने ये रहा, कुत्ता पशु बिल्ली। फास्ट, अभी अपन को 50 क्वेश्चन करने हैं, अभी दूसरा टाइप वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ये इजी क्वेश्चन है। क्या है यह है? पशु में क्या आता है? कुत्ता भी आता है, बिल्ली भी आता है, लेकिन कुत्ता बिल्ली थोड़ी है, बिल्ली कुत्ता थोड़ी है, तो अलग अलग हो जाएंगे, यानी है क्या ये पशु, लेकिन क्या है, अलग अलग है। ऐसा आपको वेन डायग्राम कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है बी में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग्यारह आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, पशु स्तनपाई और गाय, इसका आंसर क्या होगा? फास्ट कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 11, पशु स्तनपाई गाय, ठीक है, आंसर क्या होगा? फास्ट कमेंट करते रहें। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगे। ओके, पशु है स्तनपाई है, ठीक है, और स्तनपाई में क्या आती है? गाय भी आती है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर बारह आपके सामने ये रहा, रंग व्यापारी और कपड़ा, इसका आंसर क्या होगा? वेन डायग्राम कौन सा बनेगा इसका? फास्ट कमेंट करें। ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा या डी बनेगा? रंग व्यापारी और कपड़ा, रंग एक अलग चीज़ है, व्यापारी एक अलग चीज़ है, और कपड़ा अलग चीज़ है, ये तो अलग अलग बातें होगी, ठीक है। रंग व्यापारी और कपड़ा, यानी कि ऐसा आपको वेन डायग्राम कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी का सही है। अकन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर तेरह आपके सामने ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कमेंट करें इसका फास्ट, कमेंट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 13, रंग लाल नीला, ठीक है, ये रंग है वो क्या हो सकता है? लाल भी हो सकता है, वो नीला भी हो सकता है, ठीक है, रंग क्या हो सकता है, लाल भी हो सकता है और नीला भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तेरह ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बी में, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौदह आपके सामने ये रहा, घोड़ा नर घोड़ी, फास्ट कमेंट करें क्वेश्चन नंबर चौदह का आंसर क्या होगा? फास्ट, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक घोड़ा है, ठीक है, एक नर है, वो क्या है, नर घोड़ी तो नहीं हो सकती, ये नर है, नर में क्या जाएगा, घोड़ा जाएगा, लेकिन घोड़ी तो अलग आ जाएगी ना, घोड़ी इसमें थोड़ी आएगी, घोड़ी अलग हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर पंद्रह आपके सामने ये रहा, फास्ट कमेंट करें इसका, धातु सोडियम तांबा, फास्ट,
ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? ठीक है, तो आपको दे रखे हैं, इसमें क्या है आंसर बताइए। धातु है, धातु में सोडियम भी आती है, तांबा भी आता है, लेकिन सोडियम धातु, सोडियम तांबा नहीं है, तांबा सोडियम नहीं है, अलग अलग है, यानी कि क्या है तो धातु ही ना। ऐसा आंसर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। स्तनपाई महिला नर्स, स्तनपाई महिला नर्स, स्तनपाई महिला नर्स, क्या है इसका आंसर? ए है या बी है या सी है? बिल्कुल एक एक सेकंड, दो दो सेकंड के क्वेश्चन है आप, ठीक है, बिल्कुल लॉजिक लगाइए, इसका क्या आंसर हो सकता है? फास्ट, क्वेश्चन नंबर 16, 16, 16, 16, स्तनपाई, ठीक है, स्तनपाई, स्तनपाई में क्या आती है? महिला आती है, ठीक है, और महिला में क्या आती है? महिला में क्या? नर्स भी आती है, ठीक है। तो कैसा आपको ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 50 क्वेश्चन करने हैं अपन को, फास्ट कमेंट करते रहें आप। क्वेश्चन नंबर 17, अनाज चावल गेहूँ, फास्ट, अनाज चावल गेहूँ, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अनाज, अनाज में क्या आता है? चावल आता है, चावल में आता है गेहूँ, लेकिन गेहूँ चावल नहीं हो सकता, चावल गेहूँ नहीं हो सकता, ठीक है, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट, फास्ट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने यह रहा। नर नेफ्यू, यानी कि क्या होता है? नर नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा, चचेरा भाई, इसको चचेरा कर लीजिए, सिर्फ भाई को हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि ऊपर कजन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या मेल फीमेल नहीं दे रखा है ऐसा, ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा लीजिए। नर नेफ्यू चचेरे, फास्ट कमेंट करें इसका कौन सा ए है, बी है, सी है या डी है, फास्ट, ठीक है। नर नेफ्यू यानी कि नेफ्यू क्या है, ये तो पता चल रहा है इसमें ही, ठीक है, तो ये क्या है? ये नर, नर में क्या है? नेफ्यू भी आएगा, इसके अलावा चचेरा, चचेरा भाई हो सकता है या फिर बहन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं दे रखा है, मादा है या फिर नर है, ठीक है, तो ये दे नहीं रखा है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ठीक है, 18वां का राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वो क्या हो सकता है? नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है, चचेरा, ठीक है, कज़न, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी राइट आंसर हो जाएगा। फास्ट, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 19, 19, क्वेश्चन नंबर 19, अस्पताल वार्ड बिस्तर, इजी क्वेश्चन है, इजी है, अभी तो अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो इजी इजी क्वेश्चन है। अस्पताल है, अस्पताल में क्या वार्ड है, और उस वार्ड में क्या बिस्तर है जिसपे क्या मरीज लेटा रहता है, ओके, तो ऐसा आपका डायग्राम कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये दे रखा है, लड़की एथलीट सिंगर, ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, वो क्या हो सकती है? एक एथलीट हो सकती है, ठीक है, इसका 20 का आंसर क्या होगा? 20 का कमेंट करें, फास्ट, फास्ट कमेंट करें, वो लड़की है, वो एथलीट भी हो सकती है, वो सिंगर भी हो सकती है, ऐसा आपको जो वेन डायग्राम दिखाई दे रहा है कहाँ पे, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कमेंट बॉक्स में आप बाद में कमेंट अवश्य करें कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 21, 21, क्वेश्चन नंबर 21, तांबा लोहा जस्ता, तांबा लोहा जस्ता, क्या होगा? तांबा लोहा जस्ता, फास्ट, ऑप्शन ए है, बी है, इसका वेन डायग्राम बनाइए फटाफट और आंसर करिए इसका कि आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, तांबा एक अलग चीज़ है, लोहा अलग चीज़ है, और जस्ता एक अलग चीज़ है, अलग अलग है ये, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी मिक्स नहीं है कि तांबा तांबा लोहा हो जाएगा, फिर लोहा तांबा हो जाएगा, फिर जस्ता तांबा हो जाएगा, फिर तांबा जस्ता हो जाएगा, यानी क्या है, ये तीनों ही अलग अलग है, और क्या है, तीनों अलग अलग है मित्रों, तो इसका आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फास्ट, क्वेश्चन नंबर 22, पुस्तक फर्स्ट अनुच्छेद, बिल्कुल इजी है, एक पुस्तक है, पुस्तक में क्या पन्ने यानी कि फर्स्ट है, उस फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? एक पैरोग्राफ है, अनुच्छेद लिखा हुआ है, किसमें? उस फर्स्ट में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, फास्ट कमेंट करें, 23, तारा चंद्रमा मंगल, तारा चंद्रमा और मंगल, ये क्या है? ग्रह है तीनों, लेकिन क्या ये अलग अलग है? तारा अलग है, चंद्रमा अलग है,
और मंगल अलग है। 23, 23 का ऑप्शन कौन सा होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। फास्ट कमेंट करते रहें आप। क्वेश्चन नंबर चौबीस, प्रोफेसर विद्वान राजनीतिज्ञ, ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ा लॉजिकल लगाना है आपको, लॉजिक लगाना है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? एक प्रोफेसर है, ठीक है, वो एक विद्वान भी हो सकता है, वो राजनीतिक भी हो सकता है। एक दूसरे में क्या है, ये आपस में मिक्स हो सकते हैं, यानी कि राजनीतिक के विद्वान भी हो सकता है, विद्वान राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, प्रोफेसर विद्वान भी हो सकता है, प्रोफेसर राजनीतिक भी हो सकता है, यानी कि क्या है, मिक्स वाला बन जाएगा डायग्राम इसका। तो इसका कौन सा डायग्राम राइट होगा? इस आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर पच्चीस आपके सामने ये रहा, नौकरानी औरत डॉक्टर, इसका क्या डायग्राम बनेगा, इसका क्या वेन डायग्राम बनेगा? इसका आंसर फास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, नौकरानी औरत या डॉक्टर? 25 क्वेश्चन नंबर 25 का वेन डायग्राम कौन सा बनेगा? ठीक है, इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, यानी कि एक औरत है, ठीक है, ये एक औरत है, ठीक है, वो क्या नौकरानी भी हो सकती है वो औरत, इसके अलावा औरत क्या हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, और ऐसा जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है थोड़ा सा हट के, तो इसको आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें, और अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से, तो आप इसको अवश्य देखें। ओके, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न विकल्पों में से किस संख्या के द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो न अनुभवी और न ही संघ के सदस्य हो? ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़े दोबारा से। निम्नलिखित विकल्पों में से किस के द्वारा जो मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित करते हो लेकिन वो क्या नहीं हो, न तो अनुभवी और न ही संघ के सदस्य हो? तो इसमें केवल पूछा है जो कि मेहनती कर्मचारी हो, यानी कि मेहनती कर्मचारी का डायग्राम कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मेहनती कर्मचारी ओनली पूछा इसमें, मेहनती कर्मचारी, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये रहा। ओके, मेहनती कर्मचारी बताना है, मेहनती कर्मचारी केवल, तो मेहनती मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी, यानी कि इसका जो वर्ग है ये वाला, तो ये बताना है। तो कितने हैं जो कि न तो क्या हो, न तो संघ के कर्मचारी हो, और क्या हो वो मेहनती हो, नहीं क्या हो वो अनुभवी हो, सॉरी हाँ अनुभवी भी नहीं हो और संघ के कर्मचारी भी नहीं हो, केवल क्या हो वो मेहनती कर्मचारी हो। ऐसा डायग्राम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये रहा, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि दो, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ओके, क्वेश्चन नंबर सत्ताईस आपके सामने ये रहा, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपने मोबाइल में जो है वीडियो का जो रिजोल्यूशन है उसको आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आपको साफ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर, कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? कारखाने में संघ के सदस्यों की कर्मचारियों की संख्या क्या है वो बताइए आप, ठीक है, कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की संख्या, इसमें केवल नहीं पूछा है, तो क्या है वो दूसरे भी हो सकते हैं, तो कारखाने में संघ के सदस्य, तो ठीक है, कारखाने में संघ के सदस्य, इसका आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट करें इसका, इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारी की कुल संख्या, संघ के कर्मचारी की कुल सदस्य की संख्या, तो इसमें क्या है इसका आंसर क्या होगा, वो अपन जूम कर लेते हैं इसको और मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा वेन डायग्राम। ओके, तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा, ये वाला पूरा हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि क्या है, 4 + 1 + 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 6, 7, 7 और 4, 11, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार आप ध्यानपूर्वक इसको देख सकते हैं। ओके, इसका कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस आपके सामने ये रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस में दे रखा है, संख्या तीन क्या निरूपित करती है, यानी कि ये तीन, ये रहा यहाँ पे, ये रहा तीन, ठीक है, तो क्या निरूपित करता है, क्या दर्शाता है,
ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। ये रहा, ओके ये रहा। तो संख्या तीन किसको निरूपित कर रही है? अनुभवी कर्मचारियों को। किसको निरूपित कर रही है? अनुभवी कर्मचारियों को। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? अनुभवी कर्मचारियों, न तो मेहनती और नई संघ के सदस्य है। अनुभवी कर्मचारी जो न तो, हाँ बिल्कुल, न तो ये क्या है मेहनती और नहीं, बिल्कुल क्या है तीन, ये क्या कर रहा है? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? फास्ट कमेंट करें इसका। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी संख्या उन परिश्रमी व अनुभवी कर्मचारियों का निरूपण कर रही है? जो क्या हो, क्या हो, एक तो परिश्रमी हो, इसके अलावा अनुभवी कर्मचारी भी हो। ठीक है, तो ये कौन सी वेन डायग्राम, आप जूम करके इसको देख लेते हैं, जो कि क्या हो, परिश्रमी भी हो, इसके अलावा अनुभवी भी हो। ओके, इसका जूम कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? फास्ट कमेंट करें इसका 29 का। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये है जो क्या हो, एक बार इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ये रहा, ठीक है, जो क्या हो, परिश्रमी प्लस अनुभवी कर्मचारी का निरूपण करते हो, संघ के सदस्य नहीं हो, लेकिन क्या हो, ओके तो इसमें क्या पूछा, देख लीजिए आप, चार हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर अगला 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये रहा, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं? स्नातक भी हो और वो क्या हो, व्यावसायिक संगठन के सदस्य भी हो, तो उनकी संख्या कितनी है वो बतानी है आपको। तो आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में कितनी है, ऐसे स्नातकों की संख्या जो क्या हो, व्यावसायिक संगठन के सदस्य भी हो। ये क्या है स्नातक वाला, और ये क्या है व्यवसायिक वाला, कौन सा व्यवसाय वाला, ये तो कितने हैं ये, जो कि वर्ग में और आपको ट्राइंगल में दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सा वाला है, ये वाला पार्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा इसमें, देख लीजिए आप, जो क्या हो, व्यवसायिक संगठन के सदस्य और स्नातकों की संख्या क्या है। ठीक है, तो आप बताइए इसका क्या आंसर, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 7, देख लीजिए आप, इसका आंसर 7 हो जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ से। ओके, 7 आंसर इसका, यानी कि बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं? बिल्कुल इसका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, ये जो है ट्राइंगल, ये तो स्नातक वाला और ये व्यावसायिक संगठन वाला है। ठीक है, तो इसमें पूछा है स्नातक और व्यवसायिक संख्या क्या है, तो ये स्नातक ये हो गया और व्यवसायिक वाला ये हो गया। ठीक है, तो इसमें दोनों आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने ये रहा, ऐसे स्नातकों की संख्या, ठीक है, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो सामाजिक संगठन के सदस्य हैं? ठीक है, सामाजिक संगठन की पूछा अब, तो इसका आंसर क्या होगा, 31 का इसका आंसर क्या होगा, जो स्नातक भी हो और क्या हो, सामाजिक संगठन, यानी कि सामाजिक संगठन वाला कौन सा वाला, ये वर्ग वाला, ये वर्त वाला, इसके अलावा सामाजिक वाला ये है, तो इन दोनों में कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है बताइए, इसका आंसर क्या होगा, 31 का, ये रहा, इसको यहाँ से देख लेते अपन, ये रहा। ओके, 5 + 6 + 3 कितना जाए, 5 और 11 तो ये हो गए, 11 और 3 ये हो गई, 11 13 सर, 11 और 3 ये हो गए, यानी कि 14। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको जूम कर लिया अपन ने, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। स्नातक पूछा और सामाजिक संगठन पूछा है, तो ये स्नातक वाला तो ये हो गया, सामाजिक संगठन वाला ये हो गया। ठीक है, स्नातक और सामाजिक संगठन, ठीक है, स्नातक और सामाजिक संगठन, लेकिन इसके लिए मना नहीं किया है, व्यावसायिक संगठन के लिए मना नहीं किया, तो अपन इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो क्या हो गया, 11 तो हो गए, ठीक है, 11 और 3 हो गए, यानी कि 14। ठीक है, 14 हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा, इसमें दे नहीं रखा, यहाँ पर क्या है, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो केवल व्यवसायिक संगठन के सदस्य हो, केवल व्यवसायिक संगठन के पूछा है, वैसे स्नातक कितने हैं जो केवल व्यवसाय, स्नातक और केवल व्यवसायिक, तो ठीक है, तो केवल व्यवसाय के लिए पूछा है, यानी कि औरों के लिए नहीं पूछा है, तो 32
32 का आंसर क्या होगा, इसमें हो जाएगा 7। ठीक है, केवल पूछा है तो 7, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फास्ट कमेंट करते रहें आप। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने ये रहा, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। डॉक्टर कितने ऐसे हैं जो कि क्या है, कलाकार और खिलाड़ी दोनों। मैं जूम कर लेता हूँ, कलाकार और खिलाड़ी, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। ये डॉक्टर है और ये खिलाड़ी है और ये कलाकार है, तो कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हो, यहाँ से देख लीजिए आप इसको। ओके, तो इसको आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा इसमें, अब जोड़ लीजिए आप कितने हो जाएंगे इसमें, जो कि क्या डॉक्टर क्या है, खिलाड़ी भी है, कितने डॉक्टर है जो कि खिलाड़ी प्लस क्या हो, कलाकार और खिलाड़ी दोनों हो। ठीक है, कलाकार और खिलाड़ी दोनों हो, तो इसमें बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहा है, देख लीजिए यहाँ से 4 और 3। ठीक है, ये 4 वाला तो क्या है, खिलाड़ी है, फिर 3 वाला किस में आ जाएगा, ये सारे में आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, यानी कि जो 33 है, 33 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा होगा, 11 आंसर, इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका, कलाकार और खिलाड़ी दोनों पूछा और डॉक्टर पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है, देख लीजिए आप, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने ही रहे, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो कि कलाकार भी हैं। ठीक है, ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो कि कलाकार भी है, कलाकार वाला ये रहा बॉक्स, ठीक है, और डॉक्टर वाला क्या, ऐसे खिलाड़ी और खिलाड़ी वाला ये रहा वर्ग वाला, तो कितने जो है कलाकार है, कितने खिलाड़ी है जो कि कलाकार भी हैं। 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट करें इसका। ऐसे कितने खिलाड़ी है जो कि कलाकार भी है, ये खिलाड़ी है और कलाकार भी है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ये यहाँ से निकल के आएगा ये। ठीक है, यानी कि क्या होगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 34 का आंसर कौन सा होगा, 34, लेकिन इनके लिए मना नहीं किया है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो कि कलाकार भी है, लेकिन ये मना नहीं किया कि डॉक्टर भी नहीं है। ठीक है, या डॉक्टर है, तो इसके लिए मना नहीं किया, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यानी इसका आंसर कौन सा होगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। 34 का क्या आंसर हो जाएगा, 29। ओके, कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। ओके, कितने हो जाएंगे, 29। अब 29 कैसे होते हैं वो बता देता हूँ आपको। ओके, तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझा देता हूँ मैं, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो कि कलाकार भी है लेकिन डॉक्टर के लिए मना नहीं किया है, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ओके यहाँ से आ जाएगा, 22 + 3 = 25, 25 + 4 = 29, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 35, ऐसा क्षेत्र जो केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, जो केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है, केवल निजी क्षेत्र को कौन सा दर्शा रहा है, कमेंट करें इसका फास्ट, केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है, केवल और केवल निजी क्षेत्र, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है। निजी क्षेत्र आपको ये दिखाई दे रहा है, केवल निजी क्षेत्र, ये रहा 3, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 36, 36 में दे रखा है, ऐसा क्षेत्र जो अर्ध सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अर्ध सरकारी और सरकारी दोनों को प्रदर्शित करता है, कौन सा अंक है। ठीक है, ये तो ये अर्ध सरकारी और ये क्या सरकारी, तो कौन सा क्षेत्र है जो दोनों को ही प्रदर्शित कर रहा है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला 4 वाला। ठीक है, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा, ऐसा क्षेत्र जो कि पूर्णतः सरकारी क्षेत्र है। ओनली फॉर पूर्णतः क्या है, सरकारी क्षेत्र है, जो कौन सा नंबर आएगा इसका, पूर्णतः क्या है, सरकारी क्षेत्र है। 37 पूर्णतः सरकारी क्षेत्र है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पूर्णतः क्या सरकारी क्षेत्र है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। 37 का आंसर क्या होगा, पूर्णतः सरकारी है, पूर्णतः केवल क्या है सरकारी, ऐसा क्षेत्र जो पूर्णतः सरकारी है, लेकिन बिल्कुल पूर्णतः क्या है, 1, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्णतः सरकारी दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दोनों में नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38
ऐसा क्षेत्र जो सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के संबंध में प्रदर्शित करता है। सरकारी और निजी दोनों में ही है, सरकारी और निजी दोनों में ही है, ठीक है, सरकारी और निजी दोनों में ही है क्या इसका? सरकारी और निजी, ये तो है निजी वाला और ये सरकारी वाला, ये हो जाएगा सरकारी और निजी दोनों में ही है। कौन सा? 5, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर उनतालीस, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल गायक है? केवल क्या है? गायक, तो ये रहा केवल गायक, क्या है? 15, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक एक दो दो सेकंड के आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ऐसे स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं? ठीक है, प्रबंधक और गायक, ऐसी कौन कितनी स्त्री है? ये तो ये रहा स्त्री वाला बॉक्स त्रिभुज, और क्या है? दोनों क्या है? प्रबंधक भी है और गायक भी है, ऐसी कितनी स्त्रियाँ हैं? स्त्रियाँ जो प्रबंधक और गायक दोनों हैं, ये रहा ये आपके सामने ये रहा बॉक्स, ठीक है, ये रहा कितनी है इसका आंसर का आप क्या है बताइए, अब तो बता दीजिए इसका आंसर क्या है, कितनी स्त्रियाँ ऐसी है? 40, क्वेश्चन नंबर 40, 7 और 7 और 4 कितने हो जाएंगे? 7 और 7 और 4 कितने जाएंगे? 11, ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इकतालीस ये आपके सामने रहा, ऐसे प्रबंधों की संख्या कितनी है जो न तो स्त्री हो और न ही गायक हो? क्या हो? न तो क्या हो? स्त्री हो और न ही क्या हो? गायक हो, न तो स्त्री हो और न ही गायक हो, यानी कि क्या पूछा इसमें? प्रबंधक पूछ लिया मतलब, ठीक है, तो प्रबंधक कितने? 35, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो न तो स्त्री हो और न ही प्रबंधक हो? न तो स्त्री हो और न ही प्रबंधक हो, न तो क्या हो? स्त्री हो और न क्या हो? प्रबंधक हो, मतलब क्या है पूछा? गायक पूछा है कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 ऐसे खिलाड़ियों की संख्या, फास्ट कमेंट करते रहें, ऐसे खिलाड़ियों की कितनी संख्या है जो न तो क्या हो कलाकार हो न ही डॉक्टर हो? न तो क्या हो कलाकार हो और न क्या हो डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, तो क्या हो सिर्फ खिलाड़ी हो, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये 25 वाला, तो इसका ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 44 ऐसे प्रबंधकों की संख्या बताइए जो स्त्री है, ऐसे कितने प्रबंधक है जो कि क्या है? स्त्री है, प्रबंधक भी और स्त्री भी है, तो ये रहा प्रबंधक वाला और स्त्री वाला ये रहा, तो कितने ऐसे है जो कि प्रबंधक और स्त्री दोनों हैं? ठीक है, ये बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 वाला, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, AGG क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 ऐसे खिलाड़ियों की संख्या, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो न तो कलाकार और न ही डॉक्टर है? क्या है? न तो क्या है कलाकार और न ही क्या है डॉक्टर, यानी कि क्या पूछा है? वैसे खिलाड़ी कितने हैं, तो ये 25 रहा, इसका बता दिया मैंने आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 ऐसे कितने कलाकार है जो खिलाड़ी है, ऐसे कितने कलाकार है जो कि क्या है? खिलाड़ी, ये रहा कलाकार वाला बॉक्स और क्या है वो खिलाड़ी भी है, तो यहाँ पे रहा 22, ठीक है, 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 ऐसे कितने कलाकार है जो न तो चिकित्सक है और न ही खिलाड़ी है? क्या है? न तो चिकित्सक है न खिलाड़ी है, मतलब क्या पूछा? कलाकार पूछ लिया, तो सिर्फ और सिर्फ कलाकार यहाँ पे दिखाई दे रहे हो आपको कितने हैं, तो सिर्फ 30 कलाकार हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 ऐसे चिकित्सक है जो न तो क्या खिलाड़ी और न ही कलाकार, ऐसे कितने चिकित्सक पूछा है? ठीक है, जो कि क्या हो खिलाड़ी भी नहीं हो, इसके अलावा क्या नहीं हो कलाकार भी नहीं हो, चिकित्सा वाला बॉक्स कितना है? ये वाला, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 ऐसे कितने चिकित्सक है जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? कितने चिकित्सक ऐसे हैं जो कि क्या है खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? ये रहा चिकित्सक और खिलाड़ी और कलाकार दोनों, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फास्ट कमेंट करें इसका, 49, ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 3 कैसे होगा समझा देता हूँ थोड़ा जूम करके। इसमें पूछा है चिकित्सक, ऐसे कितने चिकित्सक है जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हैं? ये चिकित्सा वाला बॉक्स है, ये वर्ग किसका? खिलाड़ी का और कलाकार का, ये वर्ग है, तो ये तीनों किसमें आ रही है? 3 वाला आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तीनों में आ रहा है, यानी इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष है जो कि शहरी नहीं है? वो शिक्षित पुरुष तो है लेकिन वो क्या है शहर में नहीं है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 50 का, बिल्कुल इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा, यानी कि या, ठीक है, ये रहा आपके सामने।
11 केसों का आप देख सकते हैं, जो कि क्या है, वो शिक्षित तो है लेकिन क्या नहीं है, वो शहरी नहीं है, ठीक है, यानी कि ये वर्ग नहीं है। इसके अलावा क्या है, वो क्या है, पुरुष भी है, ठीक है, ये तो ये पुरुष वाला बॉक्स में इसमें आ ही गया, तो यानी क्या हो जाएगा इसका 11वां, इसका 11 हो जाएगा संख्या, यानी कि 50, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये टेस्ट दिया होगा पूरा और आपको अच्छा भी लगा होगा वीडियो, ठीक है, हेल्पफुल लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आपके कोई भी कुछ भी पूछना आपको तो आप बिल्कुल नहीं संकोच कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ओके, कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल आप इसमें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।